सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिल जाएगा, तो आप लोग गाइस इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप लोगों को बस क्या करना है इस फोटो एडिटिंग को करने के लिए, आप लोगों को जो गाइस मैं फॉलो करने को बोलूंगा गाइस आपको वो स्टेप सिर्फ फॉलो करना है। बाकी गाइस, आप लोग जो एकदम सेम एडिट ऐसे कर पाओगे फोटो गाइस, बस आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना। एंड बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइज, ये जो मॉडल है गाइज इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है, तो आप लोग भी पहले से इरेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे गाइज, आपको अपने मॉडल को जो है कुछ स्टेप्स यहाँ पे बटरफ्लाई के सामने आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। आपको सिगरेट का पीएनजी जो अगर नहीं होगा आपके पास तो गाइज वही मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने हैंड में ऐड कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपने मॉडल का यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, एंड इसको सेम साइज में वैसे ही रखना है जैसे आपका मॉडल पहले वाला था, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे एफएक्स वाले ऑप्शन में, या फिर जाना आपको ब्लैक एंड व्हाइट में। फिर उसके बाद आपको ऊपर से यहाँ पे इसका अमाउंट जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है। देन आपको इसमें नेगेटिव वाला ऑप्शन ले देना है, एंड नेगेटिव वाला लेने के बाद आप सभी को क्या करना है, आपको इसको भी मर्ज कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है कलराइज में, कलराइज में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इसको ह्यू ले जाना है आपको येलो की तरफ, एंड उसके बाद कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इरेजर टूल में जब आप गाइस जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इन्वर्ट क्यों करना है गाइस, ताकि जो मतलब कि जहाँ जहाँ पे हमें पार्ट चाहिए ना वहीं वहीं पे आपको पेंट करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे साइज इंक्रीज करेंगे, फोटो को जूम करेंगे, एंड उसके बाद साइज फुल कर लेंगे, ठीक है। एंड जो उसकी ओपेसिटी हार्डनेस ओपेसिटी वो भी हम कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जैसे जैसे पेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एंड इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे डन, एंड उसके बाद आपको चले जाना है ब्लेंडिंग मोड में। ब्लेंडिंग बोर्ड में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ओवरले पे जाना है, ठीक है, ओवरले रख लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कर देना है डन। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को जाना है दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक विग्नेट का पीएनजी। विग्नेट का पीएनजी ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो कर देना है डन। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेके चलना लाइट रूम ऐप में, ठीक है। एंड गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाना इसको, एंड उसके बाद अगर गाइस किसी को फोटो एडिटिंग करानी तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो आप में से जिसको भी एडिट करवाना हो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैसेज कर देना मेरे को। तो बाकी आपको इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, आपको यहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हाईलाइट इंक्रीज करना है, एंड शेडो को माइनस करना है, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे कम कर देना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे कम कर देना है। फिर चले जाना आपको यहाँ पे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर जो है इसको कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको कलर मिक्स में चले जाना है, ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आप सभी को माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड जो लुमिनस है इसको इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद आपको येलो कलर में चले जाना है, इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का ह्यू माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा ब्लू कलर, आपको उसको सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जो उसके बाद है डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे मिलेगा एक ग्रेन माउंट, आपको उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फिर आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी, फोटो में नोड रोशन डाल देना थोड़ा सा, एंड जो कलर नोड रोशन है उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।